हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो भाई, आज की जो वीडियो है वो हमारा क्यू एन ए है। जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा कि फर्स्ट क्यू एन ए हमारे चैनल का, तो जो कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन आए हैं उसका मैं जवाब दूंगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वो जवाब अच्छे लगे या बहुत ही ज़्यादा बुरे लगे। और इसके साथ साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और वीडियो देखना पूरी। ओके, चलो मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, शादी कब कर रहे हो, हम भी थोड़ा पार्टी इंजॉय कर लें। ऐसी चीज़ें ना सिर्फ वही पूछ सकते हैं जिनकी शादी बहुत पास हो और जिन्हें शादी से इतना ज़्यादा खतरा हो और जो घर में बड़े हों। ठीक है ना बहन, मुझे पता है ये तेरा ही था। और बाकी अब तो तेरी वैसे भी शादी हो ही जानी है जल्दी बेचारी। कोई बात नहीं, होता है होता है, ऐसा होता है। जब बड़े हो ना घर में तो ऐसी फीलिंग होती है कि तुम्हें लगता है कि तुम दूसरे की शादी इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो अपना जो अब सेकंड क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि सब्सक्राइबर कितने हैं। तो सब्सक्राइबर फ़िलहाल हमारे 179 हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो वो 180 हो जाएंगे और जल्दी 200 भी। सो कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मतलब ठीक ठाक है क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोदी भगत और श्री राम भगत, तो भाई स्लैश बहन जिसने ये पूछा था उसको मैं बता दूँ कि भगत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इट्स भक्त पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ कि मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ। हाँ, और अगर तेरे को इतना ही ज़्यादा था ये शौक पूछने का तो तू मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ही देख लेता, उस पर जय श्री राम लिखा है, ना कि जय श्री मोदी। ठीक है, और ना मैं भक्त हूँ और ना मैं कोई हेटर उसका। ठीक है, और साफ सीधी बात, श्री राम भक्त बिल्कुल, इसलिए जय श्री राम। तू भी बोल जय श्री राम, मैं भी बोलूँगा जय श्री राम। हैं तो बेटा आगे से तू भी समझ जाएगा, सब सुधर रहे हैं, तू भी सुधरेगा या सुधरेगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी मैं कुछ गलत बोलना नहीं चाहता हूँ, तो मिलते हैं अब आपसे जल्दी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये तो ये एक ही इंसान ने दो दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला तो ये कि व्हेन विल योर नेक्स्ट ब्लॉग कम, तो बहुत जल्दी आएगा अगला ब्लॉग भी, जल्दी से ही, बहुत जल्दी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इतने टाइम से कहाँ थे, आई रियली मिस यू। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ऐसी चीजें नहीं लिखते, ओपन में नहीं लिखते, गलत बात। ठीक है, तो चलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक ही इंसान के दो क्वेश्चन थे, गलत बात है, ये बहुत गलत है। ऐसे नहीं, लड़का नहीं छेड़ते ऐसे ऑनलाइन, और ऐसी चीजें नहीं पूछते, गलत बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत वायात क्वेश्चन है एकदम, कि भैया ये पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, कुछ रिसर्च करके बताओ। वैसे तो सुनेगा नहीं कोई, फिर भी। I'm not great at the advice. Can I interest you in a sarcastic comment? अब यार पर्सनली मत लेना कोई भी, बट देखो दिक्कत उनको हो रही है जिनकी दहेज की गाड़ी है। जिसकी पर्सनल गाड़ी है वो तो अभी भी पेट्रोल भरवा रहा है और घूम रहा है और हर जगह जा रहा है। तो पेट्रोल के प्राइस चाहे बढ़े या घटे, तो जिन्होंने दहेज में ले रखी है उन पे पैसा नहीं है, और जिन पे है वो तो भाई चलाएंगे ही चलाएंगे। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा कुछ। यार अगर थोड़ा कैमरा टेढ़ा हो रहा हो तो आई एम सॉरी, पता नहीं क्या हुआ एकदम से, होते होते ये टेढ़ा हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकल ठिकाने पर आई या नहीं, दम हो तो जवाब दे। आ गई, सही से आ गई एकदम, अकल ठिकाने पे है, बहुत अच्छे से है, कोई टेंशन नहीं है और मस्त है सब कुछ। ठीक है, और बाकी ये नोन ही है तो कोई गलत कुछ नहीं बोलेगा। वैसे गलत बोलेगा भी तो अपने आप भुगत लेना फिर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैं, और आ गई अकल ठिकाने, 22 ओ क्वेश्चन है अभी, रुको। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि How is your experience going so far? अगर मैं YouTube experience की बात करूँ तो अभी मतलब बहुत unexpectedly वो सब कुछ करा है, और अब थोड़ा मज़ा आ रहा है करने में, तो करते रहते हैं, डालते रहते हैं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, मतलब इसमें मज़ा आ रहा है। और बाकी लाइफ में लगे हुए हैं। ठीक है ना,
सच में लगे हुए यार, कोई झूठ नहीं है इसमें, हम भी परेशान, सबकी तरह हम भी परेशान। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये मेरा एक फ्रेंड है, वो बेचारा अपने दिल के दुख कैसे प्रकट कर रहा है। देखो, कह रहा है दिल चूर चूर नान जैसा हो गया है। मैं कहा भाई हाफ प्लेट शाही पनीर मंगा और खा ले इस नान को, क्यों इस नान को सड़ाया जा रहा है, खा मेरे भाई नान, खा ले, कुछ नहीं होता। मैं ये भी नहीं बोल सकता उठा के कि सिंगल गर्ल्स डीएम हिम, हम खुद सिंगल बैठे हैं, तुझे कहाँ से डीएम करा दें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई ये जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये है तो मम्मी के लिए पर मैं बहन से भी पूछूंगा। इधर ना आ गया ना, पीछे घुसी हुई है, ज्यादा पढ़ के दिखा रही है, नीट है ना इसका। मम्मी तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट योर मॉम विल डू इफ शी फाइंड आउट यू हैड अ गर्लफ्रेंड, मतलब तुम्हारी माँ क्या करेगी अगर तुम्हें उन्हें पता लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। कुछ भी नहीं करेगी, देखने को अरे मैं कहता कि अरे देख के खुश हो है कुछ, तू क्या कहना चाहेगी? मैं तो खुशी होंगी, घर में शादी आ रही है। अरे मैं क्या खुश होंगी कर रही है दोनों की दोनों। अबे यार सही है भाई, हमारा Q&A होता है यहीं पे खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। ओके बाय।